हाय एवरीवन, सेक्शन 205 से लेकर आगे 210 तक डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो इसमें दो चीजें कवर करेंगे ब्रॉडली। पहला 205 एंड वी हैव 229, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पर्सनेशन। यहाँ पे ये गलत है, प्लीज करेक्ट इट डाउन। दिस इज 229, ओके, 205 से लेके 229 तक है हमारा इम्पर्सनेशन। अब सेक्शन 229 के बारे में डिस्कस करेंगे अभी, बट फर्स्ट लेट अस स्टार्ट कि इम्पर्सनेशन का मीनिंग क्या होता है। लेट से मैं ए हूं एंड मैं बी का भेस बदलकर बी बन रहा हूं, मैं बी की आइडेंटिटी अज्यूम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूँ, बी को इम्पर्सोनेट कर रहा हूँ, बी की आइडेंटिटी मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ऑल्दो मैं बी नहीं हूं, पर मैं बी की आइडेंटिटी अज्यूम कर रहा हूँ, सिंपल एज दैट। इंडियन पिनल कोड में ऐसे टोटल 6 सेक्शंस हैं जो ऑल टुगेदर फॉल्स पर्सोनेशन को डील करते हैं, इम्पर्सोनेशन जिसको आप बोलो। तो पहला है सेक्शन 140। So when we study section 140, ये है chapter 7 के अंदर आता है, last section है chapter 7 का, of offences relating to army, navy and air force। इसमें कहता है personation of sailor, soldier or airman। Simply कि अगर आप कोई भी ऐसा कपड़ा पहन रहे हो या कोई एक टोकन लगा रहे हो जो किसी soldier का हो, sailor का हो या किसी airman का हो, under the air force act, navy act और respective acts जो हैं जो हमने पढ़े थे चैप्टर 7 में, मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। तो अगर इस इंटेंट से कर रहे हैं कि आपको लोग समझे कि आप वो सेलर हो या सोल्जर हो या एयरमैन, तो ये 140 के अंदर फॉल करता है। ऐसे ही 170 के अंदर हमने पढ़ा पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, तो चैप्टर 9 में ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, वीडियो इसकी बनी है। Thereafter, हमने 171 में भी देखा wearing garb or carrying token used by public servant, fraudulent intent. 9A में of offences relating to elections, यहाँ हमने देखा कि अगर आप personation कर रहे हो election में तो उसकी क्या consequences होंगी, इसकी वीडियो बनी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो अभी हमारा है chapter 11 के concern से ये दो section, 205 and 229। अब 205 कहता है फॉल्स पर्सोनेशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन अ सूट और प्रोसीक्यूशन। मैं आपको सिंपली बताऊं कि आप जैसे मान लो आपको बयान देना है, आप विटनेस ए को बयान देना है, ए के बजाय बी चला गया ए बनकर, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे और सारे एग्जांपल्स के साथ। ए ने गलत सिक्योरिटी भर दी, ए ने अपने आप को बी बताकर बेल की सिक्योरिटी भर दी, ये भी कवर होता है 205 के अंदर। अब 229 क्या है, ये अब और वैलिड नहीं है इंडियन लॉ के अंदर। क्यों? क्योंकि ये ज्यूरर और असेसर को अगर आप इम्पर्सनेट कर रहे हो तो ज्यूरी सिस्टम बंद हो गई है इंडिया में। तो ये एक प्रपोजल फॉर रिफॉर्म है कि 229 को डिलीट कर देना चाहिए इंडियन पिनल कोड से। तो आइए समझते हैं सेक्शन 205। 205 कहता है फॉल्स पर्सोनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट फॉर प्रोसीडिंग इन अ सूट और प्रोसिक्यूशन। दो चीजें आती हैं, सूट और प्रोसिक्यूशन। मतलब क्या कि यहां ये सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों में सेक्शन 205 वैलिड है। सबसे पहला पॉइंट। अब यहाँ है कि whoever falsely personates another and in such assumed character makes any admission or statement or confesses judgment or causes any process to be issued or becomes bail or security or does any other act in any suit or criminal proceedings। so आप देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पांच categories हैं कि इन पांचों में से कोई भी एक हो और वो एक फ्रॉडुलेंट इंटेंट कहीं मेंशन नहीं है 205 में आप देखोगे, तो ये सिर्फ कहते हैं फॉल्सली पर्सोनेट्स, हुएवर फॉल्सली पर्सोनेट अनदर इन सच अज्यूम्ड कैरेक्टर मेक्स एनी
इम्पर्सनेशन करके कोई भी एडमिशन कर रहा है या कोई स्टेटमेंट दे रहा है किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, या कोई जजमेंट कन्फेस कर दे रहे हैं, या प्रोसेस को इशू करा रहा है, प्रोसेस समन इशू करा दिया किसी ने झूठी गवाही देके, बेल और सिक्योरिटी बनी खुद की, ये जैसे बहुत प्रेविलेंट होता है। आप लोअर कोर्ट्स में जाओगे तो यू विल गेट टू नो दिस बेटर। आप देखोगे कई बार क्या करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स में बेल या सिक्योरिटी कुछ भी फर्निश करना होता है तो लोग झूठी आइडेंटिटी देके अपने आप को सिक्योरिटी बनाते हैं। तो ये सारी एक साठ गांठ होती है, करप्ट प्रैक्टिस है ऑल्दो, बट ये प्रेविलेंट होती है लोअर कोर्ट्स में। सो वी हैव लॉयर्स, फिर जो कोर्ट रूम में मुंशी बैठते हैं, पेंस हो गए या स्टिनो हो गए, इनको सबको मिलाकर सारा एक करप्ट प्रैक्टिस चलता है। आप इसके बारे में ज्यादा जानोगे जब आप एक्चुअल कोर्ट में जाकर देखोगे ऐसी चीजें हो रही हो। आई वाज आल्सो वेरी शॉक्ड एज आई वेंट टू द कोर्ट टू सी दीस थिंग्स हैपनिंग, बट नॉनदलेस इट इज द हार्श रियलिटी एंड इट एग्जिस्ट्स एंड दिस इज आई बिलीव दिस इज वन ऑफ आवर ड्यूटी। सो बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस नोबल प्रोफेशन, ये हमारी ड्यूटी है कि वी डू नॉट प्रैक्टिस दीज थिंग्स, बिकॉज एक ऑनेस्ट प्रोफेशन में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि रूल्स एंड लेटर्स ऑफ लॉ, और उससे भी ज्यादा स्पिरिट ऑफ लॉ को आप फॉलो करो। तो एक शाउट आउट है सबको, सो दैट वी मेक दिस प्रोफेशन इवन मोर नोबल देन व्हाट इट इज टुडे। एनीवे मूविंग अहेड टू सेक्शन 205, सो वी हैव अगर ड्यूटी बेल और सिक्योरिटी फर्निश कर दी तो इसमें इम्प्रिजनमेंट है ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years or with fine or both, that is 3 years or with fine or both. So ye tha section 205 false personation. Ab meaning humne samajh liya false impersonation ka kya hota hai, civil criminal dono mein. Ab yahan dekho no fraudulent or dishonest intent required. Intention ki requirement yahan utni nahi hai, grave nahi hai. Humne पेयर एक्ट पढ़ा, पेयर एक्ट के इंग्रेडिएंट्स में हमने कहीं भी नहीं देखा कि कोई वर्ड है जैसे फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली। तो उसके हिसाब से आप देखो सेक्शन 24 जो डिसऑनेस्टली को डिफाइन करता है या 25 फ्रॉडुलेंटली को डिफाइन करता है, इसकी रिक्वायरमेंट कहीं नहीं है सेक्शन में। तो आप अगर बस इम्पर्सनेट आप कर रहे हो किसी को तो दैट्स इनफ, वो अज्यूम्ड है आपकी इंटेंट, क्रिमिनल इंटेंट। अब हम आते हैं सेक्शन 206 से लेके 210 तक, 206 से 210, ये अनदर पार्ट है चैप्टर 11 का, दैट इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। प्रोसेस ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कोर्ट आपको कई चीजें आ गई, ये प्रोसीजरल पार्ट से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू प्रोसीजरल aspect of criminal proceeding. अब आप देखो इसमें क्या क्या आता है। लेट्स से प्रोसेस ये भी होता है, समन इशू कराना ये प्रोसेस है। फिर देयर आफ्टर आपको उस प्रॉपर्टी है उसकी सेल करानी, वो भी प्रोसेस है। आपको और एग्जांपल लो, आप ऑक्शन करा रहे हो आप, वो भी प्रोसेस है। सीज करा रहे हो वो भी प्रोसेस है। तो कई सारी चीजें आती हैं प्रोसेस में, बट 206 से लेके 210 तक यहाँ कई लिमिटेड चीजों से डील करती है। तो जैसे 206 हो गया कि अगर मान लो आपकी एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से यू हैव अ होम इन दिल्ली, ये आपका घर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इसको सील करना है, सीज करना है इसको, किसी कारण से ये डिस्प्यूट में था और इसको सीज करना है। अब आप इसको बचाने के लिए, इस घर को बचाने के लिए आप क्या करते हो, एक अग्रीमेंट करते हो किसी, लेट्स से एक थर्ड पार्टी के साथ, एक्स के साथ आप एक अग्रीमेंट करते हो और इसको बेच देते हो एक्स को।
अपना घर इस इंटेंशन से बेचते हो ताकि कोर्ट इसको सीज ना कर पाए, ताकि प्रॉपर्टी एक्स के पास चला जाए, और फिर आप तो कहोगे ये आपकी प्रॉपर्टी अब है ही नहीं, ये तो एक्स की है, ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी, तो आप 206 के अंदर इसमें लायबल होगे, दैट इज फ्रॉडुलेंटली रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर as forfeited or in execution. ये और भी एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, इन डिटेल अभी जस्ट पढ़ेंगे थोड़ी देर में. और 207 कहते हैं fraudulently claim to property to prevent its seizure as forfeited or in execution. तो ये let's suppose we have a person called ध्रुव, ये ध्रुव का घर था, तो ध्रुव लायबल होगा 206 के अंदर. क्यों? क्योंकि ध्रुव फ्रॉडुलेंटली इस प्रॉपर्टी को दे रहा है उसको, एक्स को. और अगर एक्स इस इंटेंशन के साथ ले रहा है ये प्रॉपर्टी, ध्रुव की प्रॉपर्टी को, ताकि ये एग्जीक्यूशन से, सीजर से जो 206 के अंडर था वो बच जाए प्रॉपर्टी, और वो लेट्स से ध्रुव को बाद में लौटा दे, तो ध्रुव 207 के अंदर कवर होगा. And ध्रुव 206 के अंदर कवर होगा एंड एक्स 207 के अंदर कवर होगा. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा, जिसको अभी हम इन डिटेल डील करेंगे थोड़ी देर में. नेक्स्ट आप आता है 208, दैट इज फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू. 209 आ गया डिसऑनेस्टली. 208 एंड 210 ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे, दे गो टूगेदर. इसमें है आप डिग्री सफर कर रहे हो, दैट इज ये डिफेंडेंट के लिए. अभी मैं आपको बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है अभी. ये डिफेंडेंट के लिए है, ये प्लेंटिफ के लिए, बस आप अभी इतनी बात याद रखो. अभी ये प्लेंटिफ के लिए है ये सेक्शन 210, क्यों है, किस लिए है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. अभी ज्यादा दिमाग इस दोनों पे नहीं लगाते, बस ये आप ध्यान में रखो. 208 है डिफेंडेंट के लिए, 210 है प्लेंटिफ के लिए, और 209 स्टैंड अलोन सेक्शन है, अलग से पढ़ेंगे. तो 206 से लेके 210 तक क्या पेयरिंग बनी, 206 एंड 207 की एक पेयरिंग बनी, 208 एंड 210 की एक पेयरिंग बनी, और 209 स्टैंड अलोन सेक्शन है. स्टैंड अलोन मतलब ये अकेला ही रहता है, ही इज अ, एज वी से, ही इज अ ट्रैवलर, ही इज अ वंडरलस्ट, सो ही प्रेफर्स बीइंग अलोन. ओके, जोक्स अपार्ट, so let us start with section 206 first. ये है, अब वापस अपने उस वाले केस को याद करो प्रॉपर्टी का जो मैंने बताया, उससे अलग एक एग्जांपल लेंगे. fraudulently removal or concealment of property to prevent its seizure as forfeited or in execution. तो यहाँ क्या section 25, आप देखो जैसे मैंने डिस्कस किया था ये जब डेफिनेशंस और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने के टाइम, जहां भी fraudulent आ रहा है, dishonest आ रहा है, वहां हम वापस रेफर करेंगे सेक्शन 25-24 इन सबको. fraudulent का मतलब ही क्या होता था, कि जहां एलिमेंट ऑफ फ्रॉड आ गया है, फ्रॉड जनरल टर्म में आप समझो, तो यहाँ क्या हो रहा है, फ्रॉड के एलिमेंट से आप रिमूव कर रहे हो या छिपा रहे हो किसी प्रॉपर्टी को, ताकि आप उसकी सीजर को बचा सको. सीजर को कैसे आप बचा रहे हो, सीजर कौन ऑर्डर करता है, सीजर हमेशा कोर्ट ऑर्डर करता है. ऑलराइट, सो इसके साथ लेट अस अंडरस्टैंड द सेक्शन. मैंने बेयर एक्ट को डिवाइड कर दिया है 10 पार्ट में, 10 इंग्रेडिएंट्स इसकी है नहीं, बट ये उतना टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होता नहीं है ये, तो इसीलिए मैंने इसको बहुत छोटे में रखा है, ताकि मैं आपको सिर्फ बेयर एक्ट से समझा सकूं कि क्या है इसकी अंडरस्टैंडिंग. इसीलिए विदाउट डिवाइडिंग इट इनटू इंग्रेडिएंट्स आई हैव डिवाइडेड द बेयर एक्ट इनटू सेवरल पार्ट्स. आइए इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं. ये कहता है व्हेन अक्यूज्ड फ्रॉडुलेंटली रिमूव्स, कंसील्स, ट्रांसफर्स और डिलीवर. तो तीन चीजें होती हैं, रिमूव्स, कंसील्स, ट्रांसफर और डिलीवर, आरसीटीडी. इसको आपको कैसे याद रखना है, अगर मान लो आपको याद रखना है तो आप इंडियन रेलवे में जाते हो, इंडियन रेलवे का क्या नाम है, आईआरसीटीसी, तो यहाँ आईआरसीटीसी, तो आपको सी के जगह लास्ट का क्या लगाना है, डी, और आई इग्नोर कर देना है.
ये छोटी छोटी चीजें ट्रिक्स एंड टिप्स है, मैं शेयर करते रहता हूँ ताकि आप याद कर लो आपके। सी जब भी आप इन सेक्शंस की इंग्रेडिएंट याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक्स ऐसी छोटी छोटी अप्लाई करते हो, तो ये बिल्कुल आपके नॉलेज के या आपकी प्रायर किसी लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड होनी चाहिए। मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से ये IRCTC वाली एग्जाम्पल थी रिलेटेड, क्लास में हमारे टीचर ने बताया था, तो इट्स आई स्टिल रिमेम्बर दिस। तो ऐसे ये जरूरी नहीं है कि आपको भी ये याद रहे, आप बहुत स्टूपिड हो सकता है, ट्रिक बहुत इररिलेवेंट हो सकता है, बट मेन हमारा फाइनल एम है ताकि ये याद रहे आपको। तो ऑल्दो हाउएवर इररिलेवेंट और स्टूपिड योर ट्रिक इज टू मेमोराइज द इंग्रेडिएंट्स, जस्ट रिमेम्बर इट मस्ट बी योर्स, आपकी होनी चाहिए। ओके लेट अस मूव अहेड। ये कहते हैं कि जो फ्रॉडुलेंटली रिमूव कर रहा है, रिमूव मतलब हटा रहा है, कंसील मतलब छुपा रहा है, ट्रांसफर मतलब इसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है या डिलीवर कर रहा है, डिलीवर मतलब पोजीशन डिलीवर कर रहा है। तो ट्रांसफर इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप एंड डिलीवरी इज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ओके एंड रिमूव एंड कंसील जनरल टर्म्स में डिक्शनरी मीनिंग आप ले लो। सो जो भी फ्रॉडुलेंटली इन चार में से कोई भी एक्टिविटी कर रहा है टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, दैट इज मैं फ्रॉडुलेंटली इन चारों में से कोई भी एक एलिमेंट लेकर किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ये कर रहा हूँ। लेट से मेरी एक कार है, मेरी इस कार को मैंने लोन पे लिया हुआ था, बट नाउ कोर्ट हैज ऑर्डर्ड कि सिंस आई कुड नॉट पे बैक माई लोन्स, तो ये सीज कर ली जाए आफ्टर बैंक्स नोटिस। तो अब मैं इसको करने के लिए इस कार, ताकि ये कार मेरी बच जाए, मेरी ये कार बच जाए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको छुपा देता हूँ कहीं जाके, एक गैराज में कहीं दूर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉडुलेंटली रिमूव कर रहा हूँ प्रॉपर्टी को विच इज कार। किस इंटेंशन से कर रहा हूं, टू प्रिवेंट दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग टेकन एज फॉरफीचर। मैं प्रिवेंट कर रहा हूं ये कार मेरी फॉरफीट ना हो जाए, बच जाए फॉरफीट होने से, और या तो एनी इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। अब इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी क्या होता है, लेट से फिर से कार का एग्जांपल लेते हैं। ये कार है, ये कार मैंने दो जनों ने मिलकर खरीदी है, ए एंड बी ने मिलकर खरीदी है, क्या इस कार में ए की भी इंटरेस्ट है और बी की भी, लेट से ये ए की भी इंटरेस्ट है बी की भी इंटरेस्ट है। अब दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि सिंस ये हमने लोन पे लिया था और ये लोन तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं, तो इसको चलो मिलकर छुपा देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ए अपनी इस कार की इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये फ्रॉडुलेंटली इसको छुपा रहा है। So what he is doing, A and B both fraudulently they are removing this property or any interest therein. इस property में जो इसकी interest थी दोनों की, ये उसको छुपा रहे, remove कर रहे हैं। किस intention से कर रहे हैं, ताकि वो forfeit होने से, जब्त होने से बच जाए। और ये जब्त होना, इसका order किसने दिया था, Court of Justice ने दिया था, या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, लेट से आर्बिट्रेटर किसी केस में, फ्रॉम बीइंग टेकन इन एन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और कोर्ट व्हिच हैज बीन मेड और व्हिच ही नोस टू बी लाइकली टू बी मेड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इन अ सिविल सूट। जैसे हमने बताया सिविल क्रिमिनल बोथ, या तो डिक्री निकले या सीजर का ऑर्डर है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर। तो इस केस में पनिशमेंट है ईडी, इधर डिस्क्रिप्शन For a term which may extend to up to 2 years or fine or both, जो मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं इस वीडियो में, वो आप देखोगे कि मैं हमेशा एक इस फॉर्मेट में सेंटेंस लिखता हूं ताकि वो याद हो जाए पनिशमेंट। ईडी मीन्स इधर डिस्क्रिप्शन, दिस इंक्लूड एस आई आर आई सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 2 years ऑब्लिक फाइन। अगर यहाँ एंड होता एंड फाइन तो यहाँ मैं प्लस लिखता, बट एंड है नहीं,
सो ये था मोर लेस सेक्शन 206. अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे 207. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि 206 एंड 207 टुगेदर हैं. हाँ जी, अब हम बात करते हैं जी सेक्शन 207 क्या है. कोरिलरी है 206 का. 206 में हमने क्या देखा था, 206 में हमने देखा कि ये एक्स है, एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहा है और हमारे केस में हमने नाम दिया था लेट्स से ध्रुव, वो द प्लेन यहाँ पे ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ध्रुव क्या कर रहा है, ध्रुव इस प्रॉपर्टी को बेच रहा है और एक्स खरीद रहा है. तो इसमें ध्रुव विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 206. अब इसी केस में जो एक्स था हमारा बंदा जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो अगर इस इंटेंशन से लेट अस से प्रॉपर्टी खरीद रहा है विच इज knowing that he has no right or rightful claim to such property or practices any deception touching any right to any property or any interest there, intending thereby to prevent that property from being taken as a forfeiture. So, ye aap dekho, isme sabse important ingredient hai ki to prevent that property from being taken as forfeiture, कि जो कोर्ट ने सीजर ऑर्डर किया था उस सीजर को प्रिवेंट करने के लिए, बताने के लिए. तो एक्स ने क्या किया, ध्रुव के साथ मिलकर एक साठ गांठ बनाई कि ठीक है कोर्ट ने तुम्हारे ऑर्डर दिया है, ये प्रॉपर्टी है लेट से एक, जो भी एक ये प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को सीज करना है. तो इस प्रॉपर्टी को सीज होने से बचाने के लिए ध्रुव तुम एक काम करो, ये मुझे तुम अभी लेट से तुम मुझे दे दो, ट्रांसफर कर दो. तो ध्रुव क्या करता है, ये इस प्रॉपर्टी को एक्स को ट्रांसफर कर देता है. फिर कहता है कि चलो ठीक है, जब ये सेटल हो जाएगा सारी चीजें तब मैं तुम्हें वापस से ट्रांसफर कर दूंगा. और इस फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ ये प्रॉपर्टी रिसीव करता है. तो ये एक्स पनिश्ड होगा 207 के अंदर. कोरोलरी है सेक्शन 206 का. ये कहता है एक्यूज्ड फ्रॉडुलेंटली एक्सेप्ट रिसीव्स और क्लेम एनी प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट, इवन इंटरेस्ट भी, जैसे कार के केस में हमने इंटरेस्ट देखा था पिछले सेक्शन. नोइंग दैट ही हैज नो राइट, ही नोज, एक्स नोज दैट ही हैज नो राइट ओवर दिस प्रॉपर्टी लीगली स्पीकिंग, बट वो फिर भी डिसेप्शन प्रैक्टिस करता है और इस इंटेंट से करता है ताकि इस प्रॉपर्टी को फोरफीट होने से, जब्त होने से बचा सके. और सेम गोज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ फाइन. लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं. इस एग्जांपल में एक्स ने एक क्राइम कमिट किया है अंडर इंडियन पिनल कोड, लेट्स कोई भी सेक्शन के अंदर किया है, जिसके लिए उसको फाइन लगा है ऑफ एग्जेम्पलरी फाइन लगा है 1,00,000 rupees. अब एक्स फाइन दे नहीं पा रहा है, कोर्ट क्या ऑर्डर करती है कि एक्स की एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को सीज करके सेल करें और फाइन वसूलें. तो अब क्या हो रहा है, सैटिस्फैक्शन ऑफ फाइन का केस है. तो इस केस में सैटिस्फैक्शन ऑफ फाइन को भी प्रिवेंट करने के लिए, अगर लेट्स से ये एक्स अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है किसी वाई को ताकि ये सैटिस्फैक्शन ऑफ फाइन से बच सके, तो भी सेम सिचुएशन अराइज होगी. एक्स होगा 206 के अंदर होगा, ये होगा चार्ज अंडर सेक्शन 207. तो ये था सेक्शन 206 एंड 207. अब हम आएंगे सेक्शन 208 एंड 210. अब ये देखो आप 208 और 210 एक तरीके से रीड होते हैं. लेट अस गो टू आवर फंडामेंटल पेज. यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि व्हेनेवर इट इज सेक्शन 208 एंड 210 दे विल बी रेड टुगेदर इन अ ग्रुप. ये कहता है फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू. सफरिंग का मतलब क्या होता है, आप देखो जनरल डिक्शनरी में सफर करना मतलब आप खुद पे ये सफर करा रहे हो. यार मैं लेट से एक एग्जांपल लूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि आई एम सफरिंग अ लॉट ऑफ पेन. तो मैं पेन से सफर हो रहा हूँ, एक जनरल इंग्लिश में लैंग्वेज में आई एम सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ पेन. उसी के तरीके से 208 को देखना है. तो अब आते हैं फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू. मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ.
हम बात करते हैं सेक्शन 208. 208 एक बहुत ही यूनिक सेक्शन है. ये क्या होता है कि कई बारी चालबाजी में और कई बार अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए हम ओवर स्मार्ट प्ले करते हैं. ये इस तरीके से लेट अस से एक 10 लाख की एक वन सेकंड एक 10 लाख की एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है. लेट्स से मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई सी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक 10 लाख की है. से एक कार है. अब इस कार में क्या होता है, मैंने बैंक लोन ले रखा है. तो लेट्स से मैं अनुभव, मैं यहाँ पे मैंने एक बैंक लोन ले रखा है फ्रॉम बैंक एक्स वाई जेड. शेड्यूल्ड बैंक है, कोई सा भी बैंक हो. लेट्स से मैंने एक लोन ले रखा है इस बैंक से और एक कार खरीदा है. अब मैं कार की ईएमआई नहीं भर पा रहा हूँ, 8 मंथ हो गया. ये लेट्स से होंडा कंपनी की मेरी कार है. कंपनी मुझे नोटिस देती है कि आपने ईएमआई भरा नहीं है, या तो ईएमआई भरो या विल सीज इट. तो व्हेन द कंपनी सेंड्स देयर पर्सन टू सीज दी कार, तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, मैं कार नहीं दे रहा. सो दिस कंपनी गोज टू द कोर्ट ऑफ जस्टिस और कहती है कि अब मुझे एक आपको इंटरिम ऑर्डर ले लेती है सीजर की. अब नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्मार्ट प्ले करता हूँ. मैं इस कार को बचाने के लिए अंदर ही अंदर एक अग्रीमेंट जाता हूँ, लेट से विथ वन कॉल्ड सिमरन. मैं सिमरन के साथ एक अग्रीमेंट बनाता हूँ कि सिमरन तुम मुझ पर केस करो. मैं सिमरन को कहता हूं, सिमरन यू फाइल अ केस अगेंस्ट मी ऑफ रुपीज 11 लाख. सिमरन एक केस फाइल करती है अनुभव के अगेंस्ट 11 लाख में और जानबूझ के अनुभव हार जाता है. हारता इसलिए है और सिमरन एक ऑर्डर ले लेती है 10 लाख रुपए का. अब इसको फुलफिल करने के लिए अनुभव कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो आप एक काम करो, आप मेरी कार सेल कर दो या कार सिमरन ले लेगी. सिमरन रेडी हो जाती है. अब ये यहाँ क्या हुआ है, एक साठ गांठ बनी है सिमरन और अनुभव के बीच. ये कार एक फॉल्स केस में सिमरन ले लेगी और जब ये केस क्लोज हो जाएगा तो वापस अनुभव कार ले लेगा, कुछ पैसा कट सिमरन को देकर. तो यहाँ आप देखो क्या एक सारी सिचुएशन फॉल करी है इसके बीच में. एक्चुअल केस था अनुभव और दिस कार कंपनी के बीच. हाउएवर अब बीच में उसके अनुभव ने अपनी कार बचाने के लिए एक खुद पे ही डिक्री सफर करा लिया, जानबूझकर एक खुद पे ही केस करवा लिया सिमरन के थ्रू. और बाद में जब ये केस सेटल हो गया तो ये 10 लाख रुपए से कुछ कट करके सिमरन को अनुभव ने दे दिया. तो ये एक एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है सेक्शन 208 का. थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आप देखो इसमें क्या हो रहा है. इसमें यहाँ पे अक्यूज्ड फ्रॉडुलेंटली कॉजेस और सफर्स अ डिग्री और ऑर्डर टू बी पास्ड अगेंस्ट हिम. यहाँ पे क्या है, अक्यूज्ड हमारा अनुभव है, उसने फ्रॉडुलेंटली एक खुद पे ही एक डिग्री सफर कर ली सिमरन के साथ वाले सिमरन वाले केस में, खुद ने एक डिग्री सफर कर ली इन अ सूट. ओके, अब इसके साथ क्या आप देखो, इंटेंशन फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, फ्रॉडुलेंटली कॉजेस और सफर्स अ डिग्री और ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड हिम आफ्टर इट हैज बीन सैटिस्फाइड फॉर एनीथिंग इन रिस्पेक्ट टू व्हिच इट हैज बीन सैटिस्फाइड. इस सिचुएशन में पनिशमेंट होती है इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years. ये अभी जो मैंने आपको एक केस बताया वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है इसका. ऐसी कई सारी सिचुएशंस हैं. कितनी सिचुएशन है, सबसे पहली सिचुएशन है कि कॉजेज और सफर्स अ डिग्री और ऑर्डर टू बी पास्ड अगेंस्ट हिम एट द सूट ऑफ एनी पर्सन फॉर अ सम नॉट ड्यू. पहला है फॉर अ सम नॉट ड्यू, सेकंड फॉर अ लार्जर सम देन व्हाट इज ड्यू, थर्ड है फॉर एनी प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. तो ये तीन केसेस है, सम नॉट ड्यू, लार्जर सम देन इज ड्यू or for any property or interest in the property to which such person is not entitled to. Or fourth hai ki for anything
which is already satisfied, which has been satisfied. तो ये चार इसके categories हैं. तो इसमें अनुभव will be booked under section 208. और similarly, whoever fraudulently obtains a decree or order against any person for a sum not due or for a larger sum than it is due. और यहाँ पे मैं जैसे बोलूँ सिमरन है इस केस में, सिमरन विल बी बुक्ड अंडर सेक्शन 210 और अनुभव विल बी बुक्ड अंडर सेक्शन 208. तो ये है सेक्शन 208 और 210, बिल्कुल कोरिलरी है, एक साथ पढ़ेंगे हम इसको. इसी वाले एग्जांपल से मैं आपको दोनों सेक्शन समझा रहा हूँ. 208 के अंदर अनुभव बुक होगा, 210 के अंदर सिमरन बुक होगी, राइट. तो ये अब इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं समझते हैं, ये बिल्कुल ही सेम है पिछले अपने 208 की तरह. बस खाली यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे प्लेंटिफ है, इस केस में जो प्लेंटिफ था दैट इज सिमरन, शी इज द प्लेंटिफ, अनुभव इज द डिफेंडेंट. कौन से केस में? जो दूसरे केस में, जो उन्होंने मिल बांट कर प्लान किया था कि तुम मेरे ऊपर केस कर दो, इसमें तो ये डिफेंडेंट हुआ, सिमरन हुई प्लेंटिफ. डिफेंडेंट 208 के अंदर जाएगा, प्लेंटिफ 210 के अंदर जाएगा. ये था सेक्शन 208 एंड 210. तो फाइनली रैप अप करते हैं हम इस वीडियो को इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि डिफरेंस क्या है 208 और 210 में, क्योंकि थोड़ा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. तो दो चीजें हैं, एक है लेट से वी हैव अ प्लेंटिफ एंड सेकंड डिफेंडेंट. हमारे केस में, इस वाले केस में, पिछले केस में मैं आपको, लेट मी टेक यू हियर. सो इस केस में सिमरन इज द प्लेंटिफ, अनुभव इज द डिफेंडेंट. Plaintiff is Simran. And defendant is Anubhav. Anubhav कहता है Simran को कि Simran, you file a case against me. So 208 यहां applicable होगा. और Simran ready हो जाती कि okay, I'll file a case against you. सिमरन पे 210 एप्लीकेबल हो जाएगा. 208 के अंदर अनुभव क्या कर रहा है? ही इज सफरिंग, खुद को सफर करा रहा है कि नहीं, कैसे? ऑल्दो तो ये बेनिफिट में है, बट सूट के हिसाब से खुद पे सफर करा रहा है डिग्री. और सिमरन क्या करा रही है? ही इज ऑब्टेनिंग अ डिग्री. तो ये हो गया फ्रॉड्यूलेंटली ऑब्टेन्स 210, फ्रॉड्यूलेंटली सफर्स 208. तो ये है डिफरेंस बिटवीन 208 एंड 210. एंड अब कुछ हम मिस कर रहे हैं मुझे लग रहा है इसके बीच में, बिटवीन ऑल द सेक्शंस व्हिच वी हैव स्टडीड टू. यस, वी फॉरगॉट सेक्शन, वी ऑलमोस्ट कंप्लीटली फॉरगॉट इट, सेक्शन 209. तो मैं आपको बेयर एक्ट पे ले चलता हूँ, बेयर एक्ट से पढ़ते हैं, छोटा सा सेक्शन है. वी हैव सेक्शन 209, गिव मी वन सेकंड सो आई कैन ड्रैग इट टू सेक्शन 20. डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट, कि कोई भी हूएवर इज मेकिंग इधर फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली अ फॉल्स क्लेम इन कोर्ट, एंड वो इस इंटेंशन से कर रहा है ताकि किसी को इंजरी हो, तो इसकी पनिशमेंट है अप टू 2 years, जो कि इधर डिस्क्रिप्शन से होगी, एंड प्लस फाइन. ये था सेक्शन 209, और इस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं सेक्शन 205 से लेके सेक्शन 210 तक, और इसके बीच 229 जैसे पढ़ा हम लोग ने इम्पर्सनेशन पे, 229 is no more applicable. वो jury and assessor को impersonate जब करते हैं, it is no more applicable. So this was it. Thank you very much.